हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स सी, हम लोगों ने कल क्लियर एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट 36,800 के नीचे ओपन होती है और इस लो को निकालती है तो हम लोग यहाँ सेलिंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया और यहाँ से लगातार डाउन चलते आया। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रिवर्स लेने के बाद जब 36,800 को क्रॉस कर रहा था, ये बहुत ही बेस्ट प्राइस था, यहाँ से सेलिंग बहुत अच्छी आई। अब देख सकते हैं कि 36,800 के नीचे यहाँ पर 400 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ, तो ये प्राइस सेक्शन बहुत ही अच्छी थी, अपर के लेवल से सेलिंग आया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेने के बाद जब डाउन साइड कंटिन्यू कर रहा था, 36,800 को निकाला, तो मैंने यहाँ पर हाफ क्वांटिटी ट्रेड किया। मैं फुल क्वांटिटी कर ट्रेड करने में तब इंटरेस्टेड रहती जब मार्केट 36,800 के नीचे ओपन होता तो यहाँ पर मैं, और इसके लो को निकालता तो यहाँ पर मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड करती। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और यहाँ से लगातार डाउन साइड चलते आ रहा था और फिर यहाँ पर पुल बैक लिया, तो यहाँ पर जब कंटिन्यू कर रहा था तो हमने यहाँ पर पोजीशन लगाया। अगर मार्केट लगातार फॉल होते चला था तो मैं यहाँ पर सेलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं रहती, क्योंकि एक दो कैंडल आता है यहाँ से 100-150 पॉइंट डाउनफॉल होता और यहाँ से मार्केट तेज़ी से रिवर्स कर जाता। लेकिन मार्केट यहाँ पर इस सपोर्ट के पास थोड़ा सा रिवर्स लेने के बाद जब ये कंटिन्यू कर रहा था डाउनफॉल, तो यहाँ पर मैंने हाफ क्वांटिटी में ट्रेड किया। अभी मार्केट जा कर के डाउन साइड में क्लोजिंग दे चुका है, तो कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि मार्केट का ओपनिंग एंड फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कल मार्केट अगर 36,600 से लेकर के 36,550 इस रेंज में ओपन होती है और इसके लो को निकालती है 36,550-540 को निकालती है, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। 36,400 बहुत ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको मार्केट फ्लो में क्रॉस कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट 36,600 के ऊपर इस रेंज में कहीं पे ओपन हो जाती है, 36,600 से लेकर के 36,800 के बीच में यहाँ पर ओपन हो जाती है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मार्केट को पॉजिटिव साइन में देख सकते हैं। फिर वहाँ पर हमें कोई बाइंग का सिग्नल मिलेगा, कोई बाइंग सेंटिमेंट बनेगा, तो हम लोग वहाँ पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन, 300-400 पॉइंट का गैप अप एंड गैप डाउन ओपन होती है, तो हम लोग वहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। 37,000 नो डाउट अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, मार्केट भी 37,100 के आसपास ओपन हुआ और लगातार फॉल में चलते आया। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी ओपन हो जाती है सपोर्ट 36,200-36,100, तो फिर यहाँ से मार्केट में हम लोग थोड़ा सा पुल बैक लेने देंगे, फिर इसके बाद जब डाउन साइड कंटिन्यू करेगा तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। गैप डाउन में हम लोग बाइंग का यहाँ पर कोई प्लान नहीं करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी आप देखेंगे यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ। निफ्टी में भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैट ओपन होना चाहिए और 200 को जब क्रॉस करेगा तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद मार्केट 200 पॉइंट को यहाँ पर 17,200 को यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाया। मार्केट इसी जोन में काफ़ी टाइम स्पेंड किया और फिर क्लोजिंग इसी जोन में हो चुका। नो डाउट 17,300 से लेकर के 17,200 अभी भी एक यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है, तो मार्केट में कल देखना है कि मार्केट ओपनिंग कहाँ होती है। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है तो फिर हम लोग ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि किस तरह ब्रेकआउट देती है। 17,200 के नीचे एक 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग देती है, फिर इसके लो को निकालती है। 15 मिनट या 5 मिनट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर 5 मिनट का यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया और इसके लो को निकाल रहा है तो वहाँ पर भी हम लोग सेल करेंगे, और 5 मिनट का ना दे पाया तो हम लोग 15 मिनट कैंडल का वेट करेंगे। अगर 15 मिनट का भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है और इसके लो को निकालते तो हम लोग यहाँ पर सेल के लिए बैठ जाएंगे। लेकिन अगर 17,300 के ऊपर एक 15 मिनट या 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देती है फिर उसके हाई को निकालती है तो हम लोग वहाँ पर बाइंग के लिए बैठ जाएंगे, बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन में हम लोग प्राइस सेक्शन का वेट करेंगे। 17,350 अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह है। आप देख सकते हैं कि इस रेंज में मार्केट ने इस प्राइस को बहुत बार रिजेक्ट किया है
और यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,300 से लेकर के 200 के बीच में इसने बहुत टाइम स्पेंड किया है। तो ये जोन बहुत ही कंसोलिडेशन का जोन है, ट्रैप जोन है, तो इस बीच में हम लोग कुछ नहीं करेंगे जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देगा। चलिए अभी हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत ही बेहतर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया हुआ है सेल साइड के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगातार लोअर लो बनाते चला आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक लेने के बाद फिर से अपना ट्रेड कंटिन्यू कर रहा है। अभी मार्केट पुल बैक ले चुका है, 3 डेज इसी रेंज में ट्रेड कर चुका है। अगर कल 2300 को निकालती है फ्लैट ओपनिंग के बाद, फ्लैट मीन्स 2315 से लेकर के 2300 के बीच में ओपन होती है, 2300 को निकालती है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए बैठ जाएंगे। और 12 से 13 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1:2 मिल सकती है। नेक्स्ट है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में भी बहुत बेहतर प्राइस एक्शन यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस रेंज में मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है तो इसको भी ब्रेकआउट देने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। यहाँ पर 2 सेंटीमेंट बन चुके हैं सेल साइड के लिए। कल अगर ये फ्लैट ओपन होती है और 3245 को निकालती है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए बैठ जाएंगे, सेल करेंगे। 16 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1:2 से ज़्यादा मिल सकती है। नेक्स्ट है HDFC बैंक। यहाँ पर भी बहुत बेहतर सेल साइड का प्राइस सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर पोल एंड फ्लैग बना चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल का भी यहाँ कंटिन्यू कर रहा है। अभी मार्केट इस यहाँ सपोर्ट जोन पर टाइम स्पेंड कर चुका है, तो कल अगर ये फ्लैट ओपन होती है और 1495 को निकलती है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। यहाँ पर सेल साइड में आपको बहुत अच्छी टारगेट मिल सकती है, तो आप यहाँ पर 7 से 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके सेल कर सकते हैं, 1:2 से ज़्यादा टारगेट मिल सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो हिट द लाइक बटन। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।